छात्र युवा संघर्ष समिति सीवाईएसएस के द्वारा आज दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित देश की बात कार्यक्रम में यहां उपस्थित सभी माननीय शिक्षकगण, यहां उपस्थित माननीय विधायक, आपके क्षेत्र के भाई पंकज पुष्कर जी, भाई अजेश यादव जी, सीवाईएसएस के सभी पदाधिकारीगण और यहां सभागार में उपस्थित सभी इस देश से मोहब्बत करने वाले भारत के बेटे बेटियों, साथियों, आज देश जहां खड़ा है उस दौर में जब सारी समस्याओं के समाधान का एक मंत्र राष्ट्रवाद बताया जा रहा हो, उस समय इतिहास के पन्नों को देखते हुए, वर्तमान के भारत की चुनौतियों को समझते हुए, इसके समाधान के रास्ते की तरफ बढ़ना इस देश से मोहब्बत करने वाले हर भारतीय की जिम्मेदारी बन जाती है। हम सारे लोग जानते हैं कि इस देश के अंदर वर्तमान में जो हुकूमत बनी है, केंद्र सरकार जो बनी है, वो हर समय एक गाना गाती है राष्ट्रवाद का। लेकिन जो भी सच्चे देशभक्त हैं उन्हें इस बात को गहराई से समझना जरूरी है, दुनिया के अंदर और वर्तमान में भी जब हम हर तरफ नजर दौड़ाते हैं तो हमें राष्ट्रवाद की दो धाराएं दिखती हैं। एक वो धारा है जो इंसान और इंसान के बीच में नफरत की बुनियाद पर खड़ी होती है, और एक दूसरी धारा है जो इंसान और इंसान के बीच में मोहब्बत के आधार पर खड़ी होती है। सीवाईएसएस, आम आदमी पार्टी और देश के तमाम वो देशभक्त जो इस देश से मोहब्बत करते हैं और देश के करोड़ों के चेहरे पर देश की खुशहाली का, इस देश के बदलाव का रास्ता बन सकता है, तो वो नफरत के रास्ते पर बढ़ करके इस देश के अंदर तरक्की और बुनियाद का रास्ता नहीं बन सकता। और इसलिए आज हम आपसे इस बात के लिए निवेदन करना चाहते हैं, आप किसी भी विचारधारा के मानने वाले हो, किसी भी संगठन से जुड़े हो, किसी भी परंपरा से जुड़े हो, हमें खुले दिमाग से इस बात को सोचने की जरूरत है कि आज अगर देश के अंदर हर बच्चे को शिक्षा की गारंटी चाहिए, उस किस रास्ते से मिल सकती है। अगर इस देश के नौजवानों को रोजगार की गारंटी चाहिए तो कौन सा रास्ता हो सकता है। अगर इस देश के मां बहनों को, बेटियों को अगर सुरक्षा चाहिए तो वो किस रास्ते से मिल सकता है। अगर इस देश के किसानों को, जिनके मेहनत से हमारी जिंदगी चलती है, अगर उनके अपने फसल का मुनासिब दाम चाहिए तो वो किस रास्ते से मिल सकता है। और इस देश की तरक्की का रास्ता किस विचारधारा से खुल सकता है। जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं और खासतौर से जब सकारात्मक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो अपने आप मन में यह प्रश्न पैदा होता है कि नकारात्मक राष्ट्रवाद क्या है। सकारात्मक राष्ट्रवाद पे चर्चा करूंगा मैं आपसे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे इस बात पर चर्चा करना चाहता हूं कि इस देश के अंदर नकारात्मक राष्ट्रवाद क्या है। साथियों, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एबीवीपी, ये तमाम जो धारा है दावेदारी करती है
इस देश के अंदर अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है, जिसको वो बाद में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नाम देते हैं, अगर यह देश हिंदू राष्ट्रवाद बन जाता है, हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ जाता है, तो इस देश के हर बच्चे को पढ़ाई की गारंटी हो सकती है। वो कहते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो सभी लोगों को रोजगार की गारंटी मिल जाती है। लेकिन सबसे तीन बुनियादी प्रश्न वो उठाते हैं और हमें खुले दिमाग से उसका विवेचन करने की जरूरत है। पहली बात वो कहते हैं कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र का मतलब कि एक धर्म को मानने वालों का अगर ये राष्ट्र बनेगा, एक भाषा को मानने वालों का अगर ये राष्ट्र बनेगा, एक नस्ल के लोगों का अगर ये राष्ट्र बनेगा, तो इस राष्ट्र की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज जो सारी दुख तकलीफ भारतीयों को झेलनी पड़ती है वो छू मंतर हो जाएगी। ये दावेदारी नकारात्मक राष्ट्रवाद के विरोधाओं का, हिंदू राष्ट्रवाद के विरोधाओं की हटावेदारी है। मैं आपको इसकी सच्चाई के लिए इतिहास के पन्नों में ले जाना चाहता हूं, क्योंकि किसी भी विचार को, किसी भी विज्ञान के प्रयोग को जानने का एक ही रास्ता है कि जब इतिहास में उसका प्रयोग हुआ तो परिणाम क्या निकला। साथियों, जिस हिंदू राष्ट्रवाद और नकारात्मक राष्ट्रवाद, नफरत के आधार पर जो राष्ट्रवाद खड़ा हो रहा है, नफरत के बुनियाद पर जिस राष्ट्रवाद को खड़ा करके देश को दुनिया की महाशक्ति बनाने की दावेदारी की जा रही है, इतिहास के पन्नों में जब ये कोशिश हुई तो परिणाम क्या निकले। पहला मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं जर्मनी का। आज जो नकारात्मक नफरत के राष्ट्रवाद के पुरोधा है भारत के अंदर, उनका मॉडल राज स्टेट रहा है, मॉडल देश रहा है जर्मनी। आप में से तमाम विद्यार्थी इस बात को जानते हैं, जर्मनी के अंदर हिटलर के नेतृत्व में नफरत के बुनियाद पर राष्ट्रवाद को खड़ा करने की कोशिश हुई, क्या परिणाम निकले। पूरे देश के अंदर जर्मनी में हिटलर का कब्जा हुआ, हिटलर को शासन करने का मौका मिला, परिणाम क्या निकला जर्मनी का। तीन परिणाम निकले उस नफरत के बुनियाद पर खड़े हुए राष्ट्रवाद से। पहला, लाखों लोगों का जर्मनी में कत्लेआम हुआ। जर्मनी के रहने वाले जर्मन लोगों का, जर्मनी में निवास करने वाले लोगों का कत्लेआम हुआ, नफरत के बुनियाद पर राष्ट्रवाद को स्थापित करने के लिए। दूसरा परिणाम क्या हुआ, इस नफरत के आधार पर नकारात्मक राष्ट्रवाद का क्रोधा, हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी। और तीसरा परिणाम क्या निकला, जिस राष्ट्र को, जिस देश को सर्वशक्तिशाली बनाने के लिए नफरत के बुनियाद पर राष्ट्रवाद को खड़ा किया गया, आप सब जानते हो, जर्मनी विखंडित हो गया। जर्मनी राष्ट्र महाशक्ति नहीं बना दुनिया का, जर्मनी राष्ट्र विखंडित होकर के दो देशों में बंट गया। ये परिणाम हुआ नफरत के बुनियाद पर खड़ा हुआ राष्ट्रवाद। मैं अपने आस पास से देखने की कोशिश करता हूं, आजादी की लड़ाई के दौरान, खासतौर से बंगाल विभाजन के बाद इस देश के अंदर 1906 में दो संगठन बने, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, दोनों ने एक कैंपेन चलाया अंग्रेजों की मदद से कि भारत की आजादी का और उसकी तरक्की का रास्ता तभी बन सकता है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो, धर्म के आधार पर, धर्म के आड़ में करके उसके आड़ में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान भारत के आधार पर बना, इस्लाम को मानने वाले लोगों का एक राष्ट्र बना जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। परिणाम क्या हुआ, जब नफरत के बुनियाद पर एक धर्म, एक भाषा, एक रेस के आधार पर पाकिस्तान बना, परिणाम क्या हुआ, वहां से बेरोजगारी खत्म नहीं हुई, अशिक्षा खत्म नहीं हुई, किसानों की तरक्की नहीं हुई, क्या हुआ धर्म के आधार पर राष्ट्र बनने से। आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आतंकवादी हमला होते हैं, मस्जिदों पर सबसे ज्यादा बम फूटते हैं, उस देश का नाम है पाकिस्तान। कत्लेआम और भय के आतंक में जीने वाले देश का नाम है पाकिस्तान, हजारों लोगों के खून बहाए गए। दूसरा परिणाम क्या निकला, पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना, हर 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद जो जितना ही कट्टरता के आधार पर नेता पैदा होता है उसका उतना ही जल्दी कत्लेआम होता है।
और तीसरा परिणाम क्या निकला, नफरत के आधार पर नकारात्मक राष्ट्रवाद का पाकिस्तान बटा, पाकिस्तान बांग्लादेश अलग होकर के बांग्लादेश बना। दो उदाहरण हमने आपको दिए, नफरत के बुनियाद पर एक धर्म एक देश एक भाषा के आधार पर राष्ट्रवाद को बनाने का दो परिणाम हमने आपको बताया। जर्मनी ने प्रयोग किया, कत्लेआम हुआ, नायक ने आत्महत्या की, जर्मनी का विखंडन हुआ, पाकिस्तान उसके आधार पर बना, नायकों की हत्या हुई, लोगों का कत्लेआम हुआ और पाकिस्तान टुकड़ों में बटा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर अगर एक धर्म के आधार पर एक भाषा के आधार पर एक रेस के आधार पर अगर राष्ट्र बनाने की कोई जिद कर रहा है तो वो इस देश के अंदर कत्लेआम की दावत दे रहा है और इस देश के विखंडन की दावत दे रहा है, जिससे इस देश के देशभक्तों को मंजूर नहीं है। हम किसी भी कीमत पर इस हिंदुस्तान का दूसरा बंटवारा नहीं चाहते हैं और इस हिंदुस्तान के अंदर किसी तरह का कत्लेआम नहीं चाहते। नकारात्मक राष्ट्रवाद आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की दूसरी दावेदारी है कि हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति के रक्षक हैं। हम उस रास्ते पर चलना चाहते हैं जिस रास्ते पर भारत चलता रहा है, जिस रास्ते पर बैलिंग काल में भारत चलता रहा है, जिस रास्ते पर उत्तर बैलिंग काल में भारत चलता रहा है, जिस रास्ते पर प्राचीन भारत में भारत चलता रहा है, जिस रास्ते पर मध्य काल में भारत चलता रहा है, जिस रास्ते पर आधुनिक काल में भारत चलता रहा है, वो कहते हैं भारत की सभ्यता और संस्कृति को लेकर आगे बढ़ने की ठेकेदारी हमारी है और हम उसके लिए कटिबद्ध है। साथियों, इस पर भी हम आपसे बात करना चाहते हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। उनकी भारतीय सभ्यता और संस्कृति पड़ा होती है एक धर्म एक भाषा एक रेस एक सत्ता एक नेता के आधार पर। हमारे भारत की परंपरा क्या रही, भारत के अंदर जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो एक नहीं है, भारत के जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो चार हैं। वेद हमारे चार हैं, ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद। भारत के जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो चार हैं, उसके बाद भारत की परंपरा में दर्शन पैदा होता है, फिलॉसफी पैदा होती है। बहुत धाराएं भारत में पैदा होती नहीं, लेकिन जिनको आज भी विश्वविद्यालय अधिकृत तौर पर पढ़ाता है, भारत के अंदर एक दर्शन हम नहीं पढ़ते प्राचीन दर्शन, भारत के अंदर नौ दर्शन की पढ़ाई होती है। हम चार्वाक दर्शन भी पढ़ते हैं, हम जैन दर्शन भी पढ़ते हैं, हम बौद्ध दर्शन भी पढ़ते हैं, हम सांख्य दर्शन भी पढ़ते हैं, हम योग दर्शन भी पढ़ते हैं, हम न्याय दर्शन भी पढ़ते हैं, हम मीमांसा दर्शन भी पढ़ते हैं, हम वैदेशिक दर्शन भी पढ़ते हैं, हम वेदांत दर्शन पढ़ते हैं। भारत के प्राचीन ग्रंथ चार बनते हैं, वेद चार हैं, दर्शन नौ है और उसके बाद पुराण भारत में पैदा होते हैं, अलग अलग समय में अलग अलग ज्ञाता लिखते हैं। हमारे देश में 18 पुराण पैदा होते हैं। भारत की एक क्या चाहते हैं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के नाम पर एक भाषा एक बोली एक ज्ञान एक काम एक सरकार और एक नेता। भारत का प्राचीन इतिहास क्या कहता है, वेद चार है, दर्शन नौ है, पुराण 18 है। और ऐसे तो इस देश के अंदर अगर भक्ति आंदोलन को देखोगे तो चाहे सूर हो तुलसी हो नानू हो नानक हो मेरा हो रैदास हो, हजारों धाराएं मिलकर के भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को पैदा करते हैं। आज जो लोग भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं, भारत की जो सबसे प्राचीन विधि रही है शास्त्रार्थी विधि रही है, अगर आपकी कोई विचारधारा है आप लोगों के सामने रखो, हमारी कोई विचारधारा है हम सामने रखेंगे, जो सच होगा वो जनता उसके साथ चलेगी। आज ये कहते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विरोधा, तुम्हें ये मानना पड़ेगा और अगर नहीं मानोगे तो भारत छोड़कर जाना पड़ेगा, ना तो इतिहास में भारतीय सभ्यता और संस्कृति की परंपरा रही है और ना आगे ये परंपरा आगे बढ़ने वाली है। भारतीय सभ्यता संस्कृति विविधता में एकता का नाम है, वेदों से लेकर के और आज तक भारत इसी रास्ते पर चला है और आगे बढ़ा है
और आगे भी भारत इसी रास्ते पर चलेगा और इसी रास्ते से आगे बढ़ेगा, ये जवाब हमें उन्हें देना बहुत जरूरी है, तभी एक सकारात्मक राष्ट्रवाद की तरफ हम बढ़ सकते हैं। जो सबसे बड़े भारतीय संस्कृति के क्रोधा है, कभी मिल जाए तो उनसे अकेले में पूछना, भारतीयता की सबसे बड़ी जो पहचान है पोशाक में, वो धोती और कुर्ता है। भारतीयता की पहचान जो सबसे पुराना पोशाक है धोती और कुर्ता है, साड़ी है। देखना भारतीय परंपरा और संस्कृति की दुहाई देने वालों को जब वो साखा लगाने जाते हैं तो खाकी लेकर क्यों पहनना पड़ता है। अगर सच्चे देशभक्त हो तो ये हिटलर का खाकी और जो नेकर है उसे छोड़ करके धोती कुर्ता पहन करके काम करने में आरएसएस के लोगों को शर्म क्यों आती है। मैं ये बात कहना चाहता हूं, कहने के लिए उनका कुछ और है और करने के लिए कुछ और है। तीसरा जो सबसे बड़ा उनका बुनियाद है उस पर भी चलना चाहता हूं, कहते हैं हम सबसे बड़े देशभक्त हैं। पहला क्या क्या उन्होंने, अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा एक धर्म का राष्ट्र बनेगा तो दुनिया में वो सर्वशक्तिशाली बनेगा। इतिहास कहता है कि जब एक धर्म जाति भाषा पे कोई राष्ट्र बनता है तो विघटित होता है, टूटता है। दूसरा उन्होंने कहा भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विरोधा है। हमने दुनिया में देखा कि भारतीय संस्कृति विविधता को प्रश्रय देती है, सबकी आवाज सुनना चाहती है, उसमें से रास्ता निकालना चाहती है। और तीसरी जो दावेदारी है कि हम सच्चे देशभक्त हैं। इस देश के अंदर देशभक्ति को नापने का सबसे बड़ा पैमाना है हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। आप याद करो हिंदुस्तान की जब पहले जंगे आजादी 1857 में छिड़ी, कौन कौन लोग मैदान में खड़े थे। एक तरफ अगर बहादुर शाह जफर अपने प्राणों को दांव पर लगाए थे तो दूसरे तरफ नाना साहब लड़ रहे थे। एक तरफ अगर तात्या टोपे लड़ रहे थे तो दूसरे तरफ अजीबुल्ला खान लड़ रहे थे। एक तरफ अगर बेगम अजत महल लखनऊ में मोर्चा संभाले थी तो झांसी के अंदर झांसी के रानी अपने प्राण की बाजी लगा करके हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कुर्बानी दे रही थी। एक तरफ अगर भगत सिंह झांसी के फंदे को चूम रहे थे, दूसरी तरफ अशफाकुल्ला खान चूम रहे थे, तीसरी तरफ राम प्रसाद बिस्मिल चूम रहे थे। एक तरफ अगर मौलाना आजाद थे तो दूसरे तरफ महात्मा गांधी खड़े थे। हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई हिंदुस्तान के लोगों के मोहब्बत के आधार पर खड़ी हुई है और यही हमारी विरासत है जिसके दम पर हमने देश को आजाद कराया है और यही वो विरासत है जिसके आधार पर नए भारत का निर्माण होना है। इस मोहब्बत के अलावा कोई भी नफरत की ताकत इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकती है। आप याद करो इस देश में जब 1857 की लड़ाई लड़ी गई, इस देश से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। आप में से बहुत सारे लोगों को भी पता है कि 1947 में देश पहली बार आजाद हुआ। 1947 में देश पहली बार आजाद नहीं हुआ, 1857 14 मई 1857 पर दिल्ली के लाल किले में हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों का परचम उखाड़ के फेंका था और इस लाल किले पर हिंदुस्तानी परचम को लहराया था। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी सरकार बनी जो 21 सितंबर तक चली थी, लेकिन उसको अंग्रेजों ने बाद में कुचला। इस देश के अंदर सन्नाटा फैला। बाद में अंग्रेजों को यह लगा कि अगर केवल फिर धीरे धीरे आजादी की लड़ाई आगे बढ़ने लगी, अंग्रेजों को लगा कि केवल लड़ाई से बंदूक के दम पर हिंदुस्तानियों को दबाया नहीं जा सकता। और उन्होंने, अगर आपको याद हो जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, इस देश के अंदर फूट डालने की राजनीति 1905 में बंगाल के अंदर अंग्रेजों ने रखी। अंग्रेजों ने फैसला किया कि पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल यानी हिंदू बंगाल और मुस्लिम बंगाल में बंगाल को तोड़ा जाए। साथियों, मैं आपके दिमाग में एक सवाल डालना चाहता हूं कि एक बार सोचना जरूर, 1905 में अंग्रेज एक राज्य का विभाजन करता है, बंगाल का विभाजन करता है। 1905 में एक राज्य विभाजित होता है बंगाल, पंजाब के सीने में दर्द पैदा होता है और लाहौर से लाला लाजपत राय खड़े हो जाते हैं।
बंगाल का विभाजक होता है, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के सीने में दर्द पैदा होता है और वो खड़े हो जाते हैं। बंग भंग के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में जंगे आजादी की लहर तेज होती है। लाल बाल पाल के नेतृत्व में स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है नारे के साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर आजादी की लड़ाई एक नए मुकाम पर पहुंचती है। अंग्रेजों को झुकना पड़ता है और 1905 में अंग्रेजों को कलकत्ता उनकी राजधानी थी छोड़ करके भागना पड़ता है और दिल्ली में आकर के अंग्रेजों की राजधानी बनानी पड़ती है उन्हें। इसके लिए मजबूर करते हैं हमारे फ्रीडम फाइटर। लेकिन आप सोचना क्या वजह है, 1905 में एक राज्य बटा था, पूरा देश खड़ा हुआ। 1947 में पूरा देश बटा, कोई बोलने वाला नहीं बचा था। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि 1905 में पराजित होने के बाद अंग्रेजों ने इस देश के लोगों के सोच को बदलने के लिए, जहनियत को बदलने के लिए, विचार को बदलने के लिए 1905 के बाद 1906 में दो संगठन बनाए। एक का नाम था मुस्लिम लीग और दूसरे का नाम था हिंदू महासभा। अंग्रेजों ने इतिहासकारों को बिठा करके लिटरेचर लिखवाए कि कैसे हिंदू मुसलमान लड़ते रहे। सारे अपवादों को नियम बनाया गया और वो पुस्तिकाएं एक एक करके भारतीयों को बांटा जाना शुरू हुआ। 1906 में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग बनने के बाद 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना। आज जो देशभक्ति की दावेदारी करते हैं उनसे एक बार ठंडे दिमाग से पूछना कि जो संगठन 1925 में बना हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी, 1925 से लेकर के 1947 तक इस मां भारती की रक्षा के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, उन लाखों लोगों में एक भी राष्ट्रीय सेवक संघ का आरएसएस का कार्यकर्ता क्यों नहीं? क्योंकि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए, जिस समय सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बना करके लड़ रहे थे, जिस समय भगत सिंह राजगुरु सुखदेव फांसी के फंदे पर चूम रहे थे, जिस समय विस्मिल अशफाकुल्ला फांसी के फंदे को चूम रहे थे, जिस समय बटुकेश्वर दत्त लड़ रहे थे इस देश के लिए, जिस समय महात्मा गांधी पूरे देश के अंदर आंदोलन चला रहे थे, उस समय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हिंदू मुसलमान की बात कर रहा था। और इसलिए साथियों आपको इतिहास के पन्नों में इस नकारात्मक राष्ट्रवाद के विचारधारा वालों के अंदर इस देश के लिए कुर्बानी देने का कभी मन नहीं किया, क्योंकि नकारात्मक आधार पर पैदा हुआ राष्ट्रवाद, नफरत के आधार पर पैदा हुआ राष्ट्रवाद कभी देश के लिए कुर्बानी नहीं दे सकता है। वो सत्ता के लिए नफरत की बुनियाद को खड़ा करता है और इस नफरत के बुनियाद पर वोट की फसल काट करके देश में तानाशाही स्थापित करता है, देश के लिए कभी कुर्बानी नहीं देता। यही इतिहास रहा है देशभक्ति का, इससे यही इतिहास रहा है इसकी देश प्रेम का। और इसलिए उनसे पूछना ठंडे दिमाग से कि आजादी की लड़ाई में एक भी आरएसएस का आदमी कुर्बानी क्यों नहीं दिया? जब कुछ नहीं मिलता है तो बहुत जोर शोर से हमारे नकारात्मक राष्ट्रवाद के विरोधाओं को कहना पड़ता है वीर सावरकर वीर सावरकर वीर सावरकर, क्योंकि उसके अलावा कोई नाम नहीं है। वीर सावरकर के बारे में इतिहास के पन्ने खुले हैं, आप कभी पलट के पढ़ लेना वो पता चल जाएगा कि कैसे वो गिरफ्तार हुए और कैसे माफीनामा लिख करके अंग्रेजों से आजाद हुए और आजादी के बाद कभी भी आजादी का नाम लेते हुए नहीं गिरे, कभी भी आजादी के लिए लड़ते हुए नहीं गिरे। उस इतिहास को और उसका परिणाम है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, आज ये जिस तिरंगे को हाथ में लेकर के तिरंगे को मुखौटा बना करके लोगों के हत्याओं का षड्यंत्र रच रहे, उनसे कभी मिल जाए तो पूछना आजादी के वर्षों बाद तक नागपुर के मुख्यालय में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुख्यालय में तिरंगा झंडा फहराने से उन्हें शर्म क्यों आती रही? जो संगठन जो विचारधारा न तो तिरंगा फहराने में गर्व महसूस करती, न वर्तमान संविधान पर गर्व महसूस करती, न आजादी की लड़ाई में कुर्बानी देने पर गर्व महसूस करती, ऐसा संगठन देश भक्त नहीं हो।
इसलिए साथियों आपसे कहना चाहता हूं कि भारत के खास तौर से युवाओं को इस बात को सोचना है, भारत नए रास्ते की तरफ बढ़ेगा और उसका रास्ता है सकारात्मक राष्ट्रवाद। इसलिए आपसे मैंने पहले चर्चा की, नकारात्मक राष्ट्रवाद आज जो खड़ा किया जा रहा है उसका कल परिणाम क्या होने वाला है, उसका परिणाम वही होने वाला है जो इतिहास के पन्नों में हुआ है। इसलिए इस नकारात्मक राष्ट्रवाद का जो भ्रम, जो मुखौटा, जो चारों तरफ आबो हवा में जहर घुल रहा है, उससे इस देश को मुक्त कराना आज सच्चे देशभक्तों की पहली जिम्मेदारी बन गई। लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन सारी विभिन्न परिस्थितियों के बावजूद आम आदमी पार्टी का दिल्ली का प्रयोग इस बात को कहता है कि इस देश के चंद लोग नकारात्मक राष्ट्रवाद के पुरोधा हो सकते हैं। इस मां भारती के लाखों लाख बेटे बेटियां सच्चे अर्थों में मोहब्बत करते हैं इस देश से और मोहब्बत के आधार पर इस देश को बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसका नजारा जब भ्रष्टाचार के खिलाफ जनलों का अपार आंदोलन शुरू हुआ, हमने अपने आंखों से देखा था इस देश के अंदर नकारात्मक राष्ट्रवाद की सारी शक्तियां छोटी पड़ गई थी। 30 साल के नौजवान रामलीला मैदान में जब तिरंगा लेकर के इस देश से भ्रष्टाचार को मुक्त कराने के लिए खड़े हुए थे, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ खड़े हुए थे, सब लोगों को जोड़ करके एक नए भारत के निर्माण के लिए खड़े हुए थे और वहां से एक नए तरह से पुनः जागृति हुई थी सकारात्मक राष्ट्रवाद की, उसके बुनियाद पर आम आदमी पार्टी बनी। आज सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद साथियों हम आपसे कहना चाहते हैं कि नए भारत के निर्माण के सकारात्मक ऊर्जा के साथ इन विपरीत परिस्थितियों में भी इसी दिल्ली की प्रयोगशाला में एक नई राजनीति पैदा हो रही है और उसका जो सबसे बड़ा परिणाम है, जिस आम आदमी पार्टी की सरकार की लेबोरेटरी में जब पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूलों को, जहां आम आदमी के बेटे बेटियां पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में भैंस चल रही है, ताले लग रहे हैं, उन आज दिल्ली के अंदर उन सरकारी स्कूलों में कायाकल्प हो रहा है, ये सकारात्मक राष्ट्रवाद की सोच का परिणाम है कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर इस सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। इस देश के अंदर लंबे समय से जब छात्र आंदोलन में मैं भी था, हम लोग आंदोलन करते थे शिक्षा का बजट 6% कर दिया जाए, लंबे लंबे आंदोलन हुए प्रदेश से लेकर के केंद्र सरकार तक को हम लोगों ने घेरा, केवल एक मांग को लेकर के शिक्षा का बजट 6% कर दिया जाए। सकारात्मक ऊर्जा का, सकारात्मक देशभक्ति का परिणाम है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश नक्सलों से नहीं बनता, उस देश में रहने वाले करोड़ों बेटे बेटियों से नए भारत का निर्माण होता है। अगर हमारी आने वाली औलादों का निर्माण होगा तो आने वाले देश का निर्माण होगा और उसके लिए आज हमें फख्र है दिल्ली सरकार अपने बजट का 25% शिक्षा पे खर्च कर रही है और उसको लेकर के आगे बढ़ रही है। एक शुरुआत हुई है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एक शुरुआत हुई है। आज सरकार का इरादा है तो सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी दिल्ली के लोगों के इलाज की गारंटी करने की दिशा में कदम आगे बढ़ रहा है। सरकार का अगर इरादा है तो इस दिल्ली के अंदर किसानों के खेत के मुआवजा 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर देने का रास्ता बन रहा है। आप जानते हो इस देश के अंदर कहीं 600 रुपए मिलते हैं मुआवजे में, कहीं 500, कहीं 1,000, कहीं 1,200 रुपए। देश का पहला राज्य बना है दिल्ली जो 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर दिल्ली के किसानों को मुआवजा देता है। हमारे घरों के अंदर वृद्ध रहते हैं, विधवाएं रहती हैं, विकलांग रहते हैं, अपनी सारी जिंदगी वो परिवार के लिए लगा देते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा आता है उस आम आदमी के लिए जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। आज पूरे देश में कहीं 500, कहीं 700, कहीं 800 सोशल सिक्योरिटी पेंशन है। आज एक सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है कि दिल्ली के बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को 2,000 से 2,500 रुपया पेंशन देने की तरफ दिल्ली सरकार बढ़ी है, जैसे वो भी मान सम्मान के साथ अपनी जिंदगी को जी सके। तमाम फील्डों में सरकार काम कर रही है। आज हम सारे दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं दिल्ली के अंदर अगर देश के अंदर बदलाव चाहते हो,
तो युवा शक्ति छात्र शक्ति की सोच में बदलाव जरूरी है। अगर इस देश को मिटाने वाले आजादी की लड़ाई में खड़े थे तो इस देश को बचाने वाले भी आजादी की लड़ाई में खड़े थे। अगर आज इस देश को बर्बाद करने वाले खड़े हैं तो इस देश को बचाने वालों को उनसे ज्यादा हिम्मत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तेज आवाज में बोलने से और हुकूमत कब्जा करने से गलत सच नहीं हो जाता और सच झूठ नहीं हो जाता। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि सच्चाई की आवाज को, सच्चे देशभक्ति की आवाज को बुलंद करने के लिए हमें युवा शक्ति की चेतना को भी जागृत करना पड़ेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय जहां आप तमाम लोग पढ़ते हैं, तमाम अध्यापक मौजूद हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं यहां के छात्रों को लेकर के भी सरकार की अपनी एक एक कदम कार्ययोजना आगे बढ़ रही है। दिल्ली के अंदर जब मेट्रो का किराया बढ़ा, यहां का विश्वविद्यालय का छात्र परिसर परेशान हुआ। पहली बार हुआ कि एक मुख्यमंत्री खुद सामने आकर के खड़ा होकर के अपनी आवाज को बुलंद किया, लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हुआ कि दिल्ली के अंदर मेट्रो का किराया केंद्र सरकार नहीं बढ़ा सकती है। जो तर्क दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा कि घाटे में मेट्रो चल रही है इसलिए बढ़ाया गया, आज सारे जो तथ्य आ रहे हैं झूठे साबित हो रहे हैं। मेट्रो में जब से किराया बढ़ा है मेट्रो की आमदनी घट गई है, घाटा बढ़ रहा है, लेकिन केवल केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी अपने जिद के आधार पर आज मेट्रो का किराया बढ़ा रही है। लेकिन आपकी एक सरकार है जो सकारात्मक सोच के साथ खड़ी होती है, जनता की सरकार है, जब भी जरूरत पड़ती है आपके लिए खड़ा होती है। दूसरा, आपने अगर सुना होगा दिल्ली के अंदर होम डिलीवरी का कार्यक्रम चल रहा है, तमाम सुविधाएं लोगों को उनके घर पर मिले इसके लिए काम चल रहा है। पहले आप में से तमाम लोगों को, विद्यार्थियों को, युवाओं को अपने लाइसेंस बनाने के लिए अथॉरिटी का चक्कर लगाना पड़ता था, घूस थोड़ी चलती थी। आज देश का पहला राज्य बना है दिल्ली सरकार जिसमें आज अथॉरिटी जाने की जरूरत नहीं है नौजवानों को। आज कैंपस के अंदर उनको लाइफ लाइसेंस दिया जा रहा है जो बिना पैसे का और बिना बेईमानी का मिल रहा है। दिल्ली के अंदर आज खासतौर से हमारी मां बहनों के लिए, छात्राओं के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है सुरक्षा को लेकर। आप सब जानते होंगे दिल्ली सरकार इस दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछाना चाहती है कि अगर हमारी कोई बहन, अगर हमारी कोई बेटी, अगर हमारी कोई मां चौराहे पर जाती है और कोई अगर मंचला उसे छेड़ने की हिम्मत करता है, बदतमीजी करता है, वो कैमरे में कैद हो सके, एक डर पैदा हो ऐसे बदतमीजों के लिए। लेकिन आज भी उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम और हम लड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोगों की दुआएं रही तो हम ये लड़ाई जीतेंगे, केंद्र सरकार से जीतेंगे, एलजी से जीतेंगे और जल्दी दिल्ली के अंदर सभी कोने कोने में जितने डार्क स्पेस हैं सीसीटीवी कैमरे का जाल विषय आज से हम महिला सुरक्षा की गारंटी की तरफ एक कदम आगे बढ़ा सके। इसके लिए सरकार काम कर रही है। ऐसे तमाम काम आज दिल्ली के अंदर पूर्ण राज्य की लड़ाई चल रही है। उसका कारण यह है कि अगर आज दिल्ली पूर्ण राज्य बन जाए तो इस दिल्ली के अंदर तमाम नए कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुल सकते हैं। आप में से तमाम लोगों का एडमिशन हो जाता है, आपका भाई का नहीं हो पाता, आपकी बहन का नहीं हो पाता, क्योंकि यहां पर इतने कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं है, आप कम पढ़ने लगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको एडमिशन नहीं मिलता क्योंकि यहां पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी कम है। आज पूर्ण राज्य की लड़ाई इसीलिए लड़ रहे हैं। आप पढ़ लिख जाते हो, रोजगार नहीं मिलता। आज जो लोग भी दिल्ली में आ जाते हैं पूरे देश के अंदर उन्हें भटकना पड़ता है। पूर्ण राज्य की लड़ाई भी हम इसीलिए लड़ रहे हैं कि एक नए तरह का राज्य दिल्ली बने, एक सकारात्मक सोच और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र दिल्ली बने। और हम चाहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय इस नए सकारात्मक राष्ट्रवाद की, देश के मोहब्बत की, एक नए इतिहास की रचना में हिस्सेदारी करे, नए विश्वविद्यालय में नए राजनीति का निर्माण करे, नए दिल्ली का निर्माण करे और नया देश निर्माण के काम में अपना योगदान दे। मुझे भरोसा है भारत की विरासत पर, मुझे भरोसा है भारत की संस्कृति पर, मुझे भरोसा है दुनिया के इतिहास पर, मुझे भरोसा है मानव सभ्यता की ताकत पर। भारत के अंदर से ये जो नकारात्मक बादल दिख रहे हैं वो छटेंगे और नए भारत में नए ऊर्जा के साथ नए भारत के निर्माण की तरफ भारत बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।